हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज फिर से आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को बेली स्लिप कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी। पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैंने दोनों स्लिप काट लिया है। उसके बाद मैं जिस कपड़े से बेली स्लिप काटूंगी उसको मैं डबल फोल्ड कर लिया है। फिर उसको ऐसे करके फोर फोल्ड कर लिया, ऐसे करके। इधर से बन साइड है तो मैं बन साइड को अपनी तरफ ले लूंगी। तो इधर से बन साइड है और इधर से ऐसे करके बंद साइड है। तो ये स्लिप चारों तरफ से ही बंद रहेगा, खुला नहीं, किसी साइड में भी सिलाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, पूरा मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, इधर से भी उधर से भी। तो इसको मैं गोल राउंड शेप दे दूंगी। और मेरा जो स्लिप है उसका गुलाई है 12 इंच, तो इसको मैं 4 भाग करने से 3 इंच होता है। तो मैं देखती हूँ ये 3 इंच है, तो ये मेरा 3 इंच में हो गया। फिर इसके बाद ये थोड़ा 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं थोड़ा ऊपर कर लिया, 1.25 इंच। 1.25 इंच में मैं इसको निशान लगाऊंगी, 1.25 इंच पे। फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि अभी 3 इंच हुआ कि नहीं। ये अभी 3 इंच हो गया। उसके बाद नीचे का लंबाई नापना है, तो नीचे मैं 4 इंच रखूंगी। ये सिलाने के बाद 3.5 इंच आएगा। चारों तरफ से मैं 4 इंच रखूंगी। आपको जैसा चाहिए वैसा रख सकती हो, ज़्यादा भी रख सकती हो, कम भी रख सकती हो। तो मुझे थोड़ा कम ही चाहिए 4 इंच। किसी किसी को और भी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी रख सकती हो। तो मैं 4 इंच पे पूरा घुमा के निशान लगाया। अभी मैं इसको घुमा के एक गोल राउंड शेप दे दूंगी। इसके बाद मैं काटूंगी, पहले ऊपर का साइड काटना है। इसके बाद मैं नीचे का साइड भी काटूंगी। जैसे जैसे मैंने निशान लगाया ठीक वैसे ही मुझे काटना है। जैसे करके मैंने ये स्लिप काटा है ठीक वैसे ही दूसरी साइड भी मैं ऐसे करके काटूंगी। तो मेरा एक पार्ट हो गया है, अब दूसरा पार्ट भी मैं काटूंगी। तो ये मैंने दोनों पार्ट काट लिया है, ये मेरा दोनों पार्ट हो गया है। अभी साइड में मैं सिलाई लगाऊंगी। आप धीरे धीरे करके ये सिलाई लगाइए, पूरा घुमा के थोड़ा मोड़ के सिलाई लगाना है। ये बहुत ही हल्के हाथ से सिलाना है, बहुत ही धीरे धीरे। तो ये मेरा सिलाई कंप्लीट है। दूसरी साइड भी मैं ऐसे करके सिला ले लिया है। तो मेरा दोनों पार्ट सिला के कंप्लीट है। अभी मैं स्लीप में ज्वाइन करूँगी। तो ये मेरा दोनों स्लीप है। पहले मैं इसको
कुर्ती में ज्वाइन करूँगी, कुर्ती में सिलाऊँगी, फिर बाद में इसमें ज्वाइन करूँगी। तो ये मेरा कुर्ती है, इसको इसके ऊपर ऐसे रखना है, सेंटर से सेंटर मिला के ऐसे रखना है, फिर इसके ऊपर इधर यहाँ से सिलाई लगाना है। इसके ऊपर मैं दूसरा सिलाई लगा लूँगी ताकि ये अंदर से मजबूत हो जाए। इसके बाद मैं इसको फिटिंग्स दूंगी। तो मेरा जो स्लीप है इसकी गोलाई 12 इंच है, तो मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 6 इंच पे मैं इसका निशान लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसको फिटिंग्स दूंगी। यहाँ से 13.5 इंच पे निशान लगाना है। ये मेरा हिप का निशान होगा, मुझे इतना तक ही लाना है सिलाई, फिर उसके बाद सिलाई खोल लेना है। फिर उसके बाद इसको सीधा कर लेना है। मेरा जो स्लीप है मैं इसको पलट के सीधा कर लूँगी। तो मैंने फिर उसके बाद इसको सीधी साइड ऊपर रख के और स्लिप को भी सीधी साइड इसके ऊपर रख के ये मेरा स्लिप मैं इसको पलट के सीधी साइड में ले आई। फिर इसको इसके साथ ऐसे करके सीधी साइड के ऊपर रखना है, रख के ऐसे मिला लेना है। ऐसे मिला के इसके ऊपर कुछ नहीं करने, बस घुमा के सिलाई लगाना है। ये मैंने मेरा जो स्लीप है मैं इसको सीधी साइड में लिया है, और जो मेरा बेली फ्लावर है उसको भी मैंने सीधी साइड के ऊपर ही रखा है। फिर इसके ऊपर मिला के घुमा के सिलाई लगाना है।
तो ये मेरा स्लीव बनके रेडी है, बेली स्लीव। जैसे मैंने इस स्लीव को रेडी किया है, दूसरा स्लीव भी मैं ऐसे ही रेडी करूँगी। ये देखने में भी अच्छा है और ये फिटिंग्स भी बहुत अच्छे आती है। तो ये मेरा स्लीव अभी बन के रेडी है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय।